So, hello everyone, welcome back to the channel. So, बच्चों आज हमारी business studies की class और आज की class में हम पढ़ने वाले हैं chapter number 1 जिसका नाम है nature and significance of management. और इसके अंदर आज जो हमें topic cover up करना है वो है nature of management, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे management as an art and management as a science. तो चलिए बच्चों क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट और साइंस है या नहीं. आज हम स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में. अगर हम मैनेजमेंट का नेचर चेक करें, नेचर का मतलब है कि हम मैनेजमेंट को क्या कह सकते हैं, कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन है. ये तीन चीजें हैं जिससे हम कंपेयर करने वाले हैं आज मैनेजमेंट को. क्योंकि देखो हम मैनेजमेंट को कहते हैं कि मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल है, ठीक है. तो जब वो हर जगह एप्लीकेबल है तो वो किस नेचर का है, वो एक आर्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है या एक साइंस की तरह इस्तेमाल किया जाता है या प्रोफेशन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है. तो उसके लिए पहले हमें इन तीनों चीजों को इन डिटेल पढ़ना होगा कि ये क्या होती है. तो अभी पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्ट से. अगर मैं आपसे पूछूं कि आर्ट क्या होती है तो आप मुझे आर्ट की क्या डेफिनेशन दोगे. जब भी हम आर्ट वर्ड सुनते हैं तो सबसे पहली जो पिक्चर माइंड में क्लिक होती है ना वो ड्राइंग वाली आर्ट की ही होती है, सबसे पहली पिक्चर. हाँ, उसके बाद जब हम आर्ट के बारे में और थोड़ा डिटेल में सोचते हैं तो हम हिंदी वर्जन पे आते हैं उसके, कला. अब कला तो किसी भी चीज की हो सकती है ना, कला सिंगिंग की भी हो सकती है, डांसिंग की भी हो सकती है. उसके अलावा जैसे कुकिंग हो गई, किसी को गार्डनिंग का शौक है, गार्डनिंग करना, ठीक है. तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कला से जुड़ी है जिसे हम आर्ट कहते हैं, ठीक है. बट मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिए, क्या इनमें कहीं ना कहीं कोई स्किल इन्वॉल्व नहीं है? क्या हर कोई बेहतरीन पेंटिंग कर सकता है? क्या कोई नहीं कर सकता? हर कोई नहीं कर सकता. क्या हर कोई गाना गा सकता है? क्या हर कोई सिंगर हो सकता है? मैं अभी गाना गाने लगूं तो शायद तुम सब लोग उठ के भाग जाओगे यहां से, ठीक है. क्या हर कोई डांस कर सकता है? क्या नहीं. ये चीज एक स्किल पे बेस्ड है, यानी कि जितने भी आर्ट की मैं बात कर रही हूं ये सारी क्या है, स्किल्स के ऊपर बेस्ड है. जितनी भी आर्ट होती है पहली बात तो वो एक स्किलफुल नॉलेज है. जितनी भी आर्ट है, जितने भी आर्ट के हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, जितने भी आर्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो सब कुछ क्या है, स्किलफुल है. और दूसरी बात हम इसके बारे में क्या पढ़ रहे हैं, ये है पर्सनल एप्लीकेशन. अब पर्सनल एप्लीकेशन का मतलब क्या है, अगर मैं दो आर्टिस्ट को एक साथ बिठा दूं, मतलब दो पेंटर्स को मैंने एक साथ बिठा दिया तो और सेम ड्राइंग बनाने को दी तो कहीं ना कहीं दोनों के ड्राइंग में आपको वेरिएशन दिखेगा. दो सिंगर्स को अगर हमने सेम गाना गाने के लिए दे दिया तो दोनों उस गाने को अलग तरीके से गाएंगे. दो डांसर्स को खड़ा कर दो सेम गाने पे डांस करने के लिए तो वो भी अलग तरीके से अपने आर्ट को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे. यानी कि हर पर्सन टू पर्सन आर्ट भी डिफरेंट हो जाती है, ठीक है. उसके बाद आता है एग्जिस्टिंग नॉलेज. अब देखो जो सिंगर होता है ना वो फेमस तो रातों रात हो सकता है लेकिन उसकी सिंगिंग उसे रातों रात नहीं आती है. कहीं ना कहीं बचपन से उसके अंदर वो चीजें एग्जिस्ट करती होंगी, कहीं ना कहीं उसे वो नॉलेज होगी. जैसे होता है ना कि किसी के फादर अगर सिंगर है या मदर सिंगर है तो बच्चे में कहीं ना कहीं वो चीज आ जाती है. तो धीरे धीरे क्या करते हैं, फिर उसको प्रैक्टिस कराते हैं जिससे वो और अपना क्रिएटिव होता है. यानी कि जितना तक उसे प्रैक्टिस करते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है. यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं इसके अंदर, कि आर्ट के अंदर ना एक एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जैसे ही आपके अंदर कहीं ना कहीं वो एक चीज होती है जिसको आप प्रैक्टिस से, स्टडी से, ऑब्जर्वेशन से, अपने एक्सपीरियंस से और बढ़ाते चले जाते हो. एक जो सिंगर होता है ना, जो आज बहुत, जैसे सोनू निगम की अगर तुम, सोनू निगम एक टाइम पे बहुत फेमस सिंगर हुआ करता था, आज भी है, बट वो है ना कि आज थोड़े नए नए सिंगर्स बहुत ज्यादा आ गए हैं, लोगों ने ट्रेंड चेंज कर दिया, बट एक टाइम पे सोनू निगम बहुत हिट सिंगर था, ठीक है. तो सोनू निगम कोई एक ही दिन में सिंगर नहीं बना है, वो बचपन से प्रैक्टिस करता था, ठीक है. तो यहां पर हम यही कहेंगे कि आर्ट के अंदर एग्जिस्टिंग नॉलेज होने के साथ साथ आप इसे स्टडी, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से बढ़ा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, ठीक. इसकी डेफिनेशन की आर्ट क्या होता है, इट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज विच इज एक्वायर्ड थ्रू द स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, ठीक. अब इसके फीचर्स क्या है, देखो फीचर इसके डेफिनेशन से ही निकल कर आते हैं. सबसे पहला फीचर यही है, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज. अब क्या मतलब है इसका, आपको पता है एक सब्जेक्ट होता है पेंटिंग, फाइन आर्ट्स,
का भी रिटन एग्जाम होता है, थियोरिटिकल पेपर होता है। आप कहोगे पेंटिंग में क्या थ्योरी हो सकती है? देखो जो आर्ट होती है ना, वो कहाँ से इवॉल्व हुई, कितने इसके फॉर्म्स हैं, ये सब तो हर किसी को पढ़ना पड़ता है। जो डांसर्स होते हैं वो भी तो किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, इवोल्यूशन ऑफ डांस। ये जो इतने टाइप्स के आर्ट डांस है, इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कितने तरीके के डांस फॉर्म्स है, कौन कौन इसके अंदर फेमस पर्सनालिटीज हैं, तो ये सब चीजें तो पढ़नी पड़ती है ना। तो जितने भी आर्ट है उन सबके अंदर थियोरेटिकल नॉलेज है। एक सिंगर है, क्या वो अपने सुरों की प्रैक्टिस नहीं करता, वो सिंगिंग नोट्स नहीं पढ़ते हैं वो लोग, तो वो भी तो थियोरेटिकल नॉलेज ही है। तो हर आर्ट के अंदर थियोरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है, ठीक। उसके बाद पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, ये मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया यहाँ पर, कि हर किसी का अपनी आर्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। हर कोई अपनी आर्ट को अलग तरीके से सामने वाले के सामने रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, अगर आप अपनी आर्ट की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उसमें क्रिएटिविटी नहीं आएगी। आप जितने ज्यादा से अगर आप पेंटिंग करते हो तो जितने ज्यादा पेंटिंग की प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा क्रिएटिव होते चले जाओगे, आपका स्पेशलाइजेशन आएगा उस चीज के अंदर। तो अपनी आर्ट को आप प्रैक्टिस से ही क्रिएटिव और इनोवेटिव बना सकते हो। तो ये प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के ऊपर बेस्ड होती है। अगर आप एक ही पुरानी फॉर्म को लेकर चलते रहोगे ना, तो आपकी आर्ट को कोई देखेगा नहीं। अगर आप चाहते हो कि आपकी आर्ट आगे तक जाए, तो उसके लिए आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने समझा कि आर्ट क्या होता है, कला क्या है। आज तक कभी सोचा था कि कला के ऊपर इतना बड़ा डिस्कशन भी हो सकता है? सिर्फ पता था कि यहाँ सिंगर होते हैं, डांसर्स होते हैं, आर्ट है ये, कला है। बट आज तुम्हें पता चला ना कि कला क्या होती है। अब इस आर्ट को हमने मैनेजमेंट से कंपेयर करना है और ये पता करना है कि क्या मैनेजमेंट भी एक आर्ट है, कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस तो है, पर क्या ये प्रोसेस एक आर्ट के अंदर आती है, क्या हम इसे कला कह सकते हैं? तो भाई उसके फीचर से देखते हैं। पहला फीचर उन्होंने कहा एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। तो क्या मैनेजमेंट में थियोरेटिकल नॉलेज है? अगर थियोरेटिकल नॉलेज नहीं होती तो तुम आज बैठ के पढ़ नहीं रहे होते मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट के अंदर थ्योरी नहीं होती तो तुम्हारी पूरी जो बुक है पार्ट ए पूरी मैनेजमेंट के ऊपर, तो वो बुक ही ना होती। ये जो बीबीए एमबीए के कोर्स है ये क्यों है? क्या नाम है पूरा बीबीए की फुल फॉर्म क्या है? बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पर आप बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ते हो। एमबीए क्या है? मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पर भी आपको मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है। तो यस, मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में मैनेजमेंट को पढ़ाया जाता है। तो यस, देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो पहला फीचर तो आर्ट का मैनेजमेंट के अंदर है, पहला फीचर आर्ट का मैनेजमेंट के अंदर है कि मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है। दूसरा, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। मैंने क्या किया कि मैंने अपने कंपनी के दो मैनेजर्स बुलाए, ठीक है। मैंने उन मैनेजर्स को ये बोला कि सुनो, हमें ना अपनी सेल को 20% से इंक्रीज करना है। हम इसी सिंपल से एग्जांपल को लेकर चलते हैं। मैंने उनको कहा कि मार्केट में ना कॉम्पिटिटर्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं और हमारी जो सेल है वो कम हो रही है, तो मुझे 20% से सेल को इंक्रीज करना है, तो कुछ सजेशन दो। तो मैंने बुलाया था मार्केटिंग मैनेजर और दूसरा मैंने बुलाया था अपना प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है। तो मार्केटिंग मैनेजर ने मुझे सुझाव दिया कि आप ऐसा करो, ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करो अपने प्रोडक्ट की, एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट करो, प्रमोशनल टूल्स यूज करो, लोगों को सेल्स प्रमोशन टेक्निक का इस्तेमाल करो, कॉन्टेस्ट में इन्वॉल्व करो, उन्हें गिफ्ट्स दो, फ्री सैम्पलिंग करो, बहुत जितना ज्यादा आप एडवर्टाइज कर सकते हो लोगों को हाईली एडवर्टाइज करो। तो उन्होंने अपनी तरफ से एक बात निकाल के हमें बता दी। वहीं पर प्रोडक्शन मैनेजर कहता है कि देखो, हमें काम कर सकते हैं हम ना, बल्क में अगर रॉ मटेरियल खरीदे तो उससे क्या होगा, हमें रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा। अगर हमें रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम की जा सकती है, और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई तो हम अपनी जो सेल प्राइस है उसे थोड़ा सा कम कर देते हैं, और जब उसे हम थोड़ा सा कम कर देंगे ना, तो मार्केट में कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को डिमांड करने लगेगा, क्योंकि हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है ना कि व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस। तो हम ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों मैनेजर हैं, दोनों मैनेजमेंट पढ़ के आए हुए हैं, दोनों के सामने जब मैंने एक प्रॉब्लम रखी तो दोनों ने मुझे उसका सॉल्यूशन डिफरेंट बताया। तो क्या ये भी पर्सनलाइज एप्लीकेशन नहीं है कि जो मैनेजर्स होते हैं ना, वो भी एक सिमिलर पोजिशन में एक सिमिलर प्रॉब्लम का अलग अलग सॉल्यूशन दे सकते हैं, अलग अलग तरीके से वो भी अपनी नॉलेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन आपको आर्ट में देखने को नहीं मिला है?
है ना, आर्ट में भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, तो ये वाला फीचर भी इसके अंदर आता है, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, आपको पता है कि बीबीए का कोर्स जो बच्चे करते हैं उनको ना इंटर्नशिप करने को दी जाती है, इंटर्नशिप मतलब कि उनको कंपनीज में भेजा जाता है ताकि वो रियल बिजनेस प्रॉब्लम्स को समझ सके, ताकि वो उस चीज की प्रैक्टिस कर सके। सिर्फ थ्योरी पढ़ लेने से काम थोड़ी चलता है, आप पेंटिंग की थ्योरी पढ़ ली आपने कि हाँ ऐसे बनता है ऐसे बनता है, या हम वीडियो देख लेते हैं कि अच्छा ये चीज ऐसे बनती है, पर जब तक खुद बनाते नहीं है क्या तब तक वो चीज करनी आ जाती है? नहीं। मैनेजमेंट की प्रोसेस भी ऐसी है, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं सीख पाओगे। आपको स्टडी, ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस सब गेन करना होता है इसके अंदर भी। तो यस, मैनेजमेंट भी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी में बेस्ड है। एक अच्छा मैनेजर अपने डे टू डे एक्टिविटी में मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करता है, ठीक है। तो मेरे को तो यहाँ पर तीनों फीचर्स देखने को मिले मैनेजमेंट के अंदर। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इससे कि मैनेजमेंट एक आर्ट है या नहीं, है ना? तो यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। हमने एक कंक्लूजन निकाल लिया है कि मैनेजमेंट आर्ट है, ठीक है। अब दूसरा हमें क्या देखना है कि क्या मैनेजमेंट साइंस है, और उसके लिए क्या देखना होगा कि साइंस क्या होता है, ठीक है। तो साइंस क्या है? सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। हम जनरली जब साइंस वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में फर्स्ट पिक्चर अब क्या आती है? सब्जेक्ट। कि साइंस तो अब तक हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हुए आए हैं, हम साइंस को एज अ सब्जेक्ट जानते हैं, बट उस सब्जेक्ट में आपको एक नॉलेज दी जाती है ना, वो सब्जेक्ट नहीं है, वो आपका एक नॉलेज एरिया है जहां पर आपको साइंटिफिक चीजें पढ़ाई जाती हैं। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उछालते हो तो वो नीचे गिरता है ना आके, तो क्यों गिरता है वो उसका रीजन बताते हैं आपको, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दिस इज साइंस, ठीक है। कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है ये सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। कि जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जब हम हवा में कोई भी ऑब्जेक्ट उछालते हैं और उसकी वजह से उछलने के बाद वो नीचे आकर गिरता है, तो फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द इफेक्ट। किसी चीज का हवा में उछलने के बाद नीचे गिरना उसका इफेक्ट है। किस चीज का इफेक्ट है? जिसका कारण क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यानी कि साइंस हमें कहता है कि कोई भी चीज अगर हुई है ना तो उसका कोई ना कोई कारण है, इसी वजह से हुई है। चलो जी, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज क्या होता है ये तो मैं पता चल गया। इट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रूथ, ये हमें सच्चाई बताता है। क्या ये सच्चाई नहीं बताई इसने हमें? पर ये उस सच्चाई को साइंटिफिकली बता रहे, प्रूफ कर रहे हैं उस चीज को। ये जितने भी आपको लॉ बताते हैं उसके ऑपरेशन बताते हैं कि वो लॉ कैसे काम करता है। न्यूटन के आपने लॉ पढ़े हैं, 10th तक तो साइंस सबने पढ़ी है ना, तो आपने न्यूटन के लॉ पढ़े हैं, तो वहां पर आपको एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ाया गया कि कैसे कौन सा लॉ किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे हर चीज का ना प्रूफ है, आपको लेबोरेटरी में जाके टेस्टिंग भी करा सकते हैं ये उस चीज की। तो यहाँ पर हर एक चीज जो साइंस है उसको प्रूफ कर सकती है, तो इसे साइंस कहा गया, ठीक है। अब इसके फीचर्स पढ़ते हैं। तो फीचर में पहला पॉइंट वही है कि सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। क्यों? बिकॉज देर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्योंकि यहाँ पे कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है कि कोई भी अगर हम लॉ कह रहे हैं तो उस लॉ की वजह से कुछ ना कुछ इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद All these principles are based on experimentation. ये रातों रात कोई भी principle develop नहीं हुए, कि न्यूटन को कोई रात को सपना नहीं आया था, उसके साथ एक घटना घटी थी। ऐसा नहीं कि वो घटना उसके साथ पहले कभी नहीं घटी, उसी दिन ही घटी, पर हाँ उस दिन उसके माइंड में वो चीज क्लिक हुई कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ये फिर उसने ऑब्जर्वेशन किया, फिर उसने टेस्टिंग करी, यानी कि बहुत सारे ऑब्जर्वेशन होते हैं, टेस्टिंग होता है, लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तब जाकर हम कहते हैं कि यस This is a law or a principle, ठीक। उसके बाद universal validity, validity मतलब which is accepted and applied everywhere. आप science के principle को चाहे India में पढ़ रहे हो, चाहे America में पढ़ लो जाके, चाहे Japan में पढ़ लो, पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन बात वो भी वही कह रहे हैं, बस उनकी भाषाएं अलग हैं, समझाने का तरीका अलग है, examples कुछ अलग ले सकते हैं, लेकिन पढ़ा वो वही रहे हैं। जो साइंस का प्रिंसिपल यहाँ एप्लीकेबल है, जैसे यहाँ अप्लाई किया जाता है, ऐसे दूसरी कंट्रीज में भी अप्लाई किया जा रहा है, ऐसे दूसरे एरिया में भी अप्लाई किया जा रहा है, और हर कोई उसे एक्सेप्ट कर रहा है। क्या कोई मना कर देगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ नाम की कोई चीज नहीं होती? मना नहीं कर सकता ना, हर कोई उसे एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसकी क्या है? यूनिवर्सल वैलिडिटी है। समझ आ गया साइंस के क्या फीचर्स है? साइंस सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड है, और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, वैलिड है, ठीक है।
अब इसी से कंपेयर करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस को। तो अब मुझे आप ये बताइए कि अगर मैं कह रही हूं मैनेजमेंट एज अ साइंस, तो क्या मैनेजमेंट एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है? क्या मैनेजमेंट में कोई कॉज या उसको कोई इफेक्ट होता है? बिल्कुल होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। देखो, एक प्रिंसिपल होता है डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क का क्या मतलब होता है? काम को बांटना ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स, यानी कि जिसको जो काम करना आता है, जिसकी स्पेशलाइजेशन जिस काम को करने में है, हम उसको वो काम बांट रहे हैं, ठीक है। अब जब हम काम को बांटते हैं लोगों के बीच में एज पर देयर स्किल्स, तो उससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन आती है। स्पेशलाइजेशन मतलब कि आप जब रिपीटेडली एक ही जॉब को परफॉर्म करते हो तो आप उसमें स्पेशलिस्ट हो जाते हो। स्पेशलिस्ट हो जाने की वजह से आती है एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी का मीनिंग तो हम सबको पता है क्या होता है, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, यानी कि कम रिसोर्सेस के साथ आप टास्क परफॉर्म कर लेते हो, आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेते हो। तो यानी कि ये जो डिवीजन ऑफ वर्क है, ये है कॉज, और इस डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से हमें क्या मिला, स्पेशलाइजेशन। ये क्या है, इसका इफेक्ट है। तो आपको देखना, आपको देखने को मिला ना कि मैनेजमेंट में भी तो ऐसा होता है कि कॉज और इफेक्ट देखने को मिल रहा है आपको। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में जब आप अप्लाई करते हो डिफरेंट सिचुएशन में, तो वो कॉजेज हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता है जो उसके इफेक्ट है। तो पहला अगर मैं फीचर कहूं तो यस, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, ठीक। अब सेकेंड पे आते हैं, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। देखो, आप ना दो लोगों के प्रिंसिपल्स पढ़ोगे यहां पर, हेनरी फेयोल और F.W. टेलर। इन लोगों ने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया, आप इनके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ोगे, ठीक है। तो इन दोनों ने जो ये प्रिंसिपल्स बनाया ना, इनको भी रात को कोई सपना नहीं आया था और इन्होंने अगले दिन वो प्रिंसिपल बनाया। इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, इन्होंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जाकर उसके ऊपर रिसर्च किया, उसके आउटकम्स यानी कि रिजल्ट नोट डाउन करे, तब जाके उन्होंने कहा कि अच्छा ये प्रिंसिपल अप्लाई किया जा सकता है। जैसे कि डिवीजन ऑफ वर्क ही है, इसे हेनरी फेयोल ने बनाया है, ठीक है। तो हेनरी फेयोल ने डिवीजन ऑफ वर्क अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में पहले लगाकर देखा, तो उसको ये पता चला कि जब उसने एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इसको अप्लाई किया, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ एक्टिविटीज ज्यादा होती है, तो ये ज्यादा इंपैक्टफुल रहा, वहां इसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा देखने को मिला। बट वहीं पे जब इसको स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में लगाया गया, जहां नंबर ऑफ एक्टिविटीज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वगैरह सब कम थे, तो बहुत ज्यादा इसका कुछ खास इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला। तो यहाँ पर एक चीज और निकल कर आई कि जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं उनके आउटकम्स सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। हर जगह पर आउटकम्स अलग अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बिहेवियर के साथ डील करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करते हैं, और ह्यूमन बिहेवियर अलग अलग हो सकता है। तो यहां पर yes, this is also based on experiment and observation, but यहां पर outcomes भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि यहां तो laboratory में outcome same ही आएगा, यहां पर जो आपके outcomes आ रहे हैं वो सब जगह same आ रहे हैं, but यहां outcomes क्या है, अलग अलग हो सकते हैं। फिर आई बात यूनिवर्सल वैलिडिटी की। देखो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे कि साइंस के प्रिंसिपल ना रिजिड होते हैं, रिजिड, आप बदल नहीं सकते। आप ग्रेविटेशनल फोर्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते हो, आप लॉ को बदल नहीं सकते साइंस के, लेकिन एज पर द सिचुएशन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को बदला जा सकता है। और अभी हमने यहां पे पढ़ा कि इसके आउटकम्स भी अलग अलग होते हैं, तो इसका मतलब इसको यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं मिली हुई है, इसकी एप्लीकेबिलिटी और इसका यूसेज हर जगह पर सेम नहीं है। तो अब मैं अगर कंपेयर करूं तो भाई मुझे दो फीचर्स तो देखने को मिले, लेकिन तीसरा फीचर देखने को नहीं मिला, तो क्या मैनेजमेंट साइंस नहीं है? ना तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट इज अ प्योर आर्ट, वहां तो हम कह रहे थे, लेकिन क्या मैं यहाँ कह सकती हूँ कि मैनेजमेंट एक फुल्ली साइंस है? और मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैनेजमेंट साइंस नहीं है। भाई देखो, दो फीचर मेट करते हैं तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं मैनेजमेंट इज एन इन एग्जैक्ट साइंस, इट इज अ सॉफ्ट साइंस। ये बिल्कुल फिजिक्स केमिस्ट्री जैसी साइंस नहीं है, बिल्कुल इस तरीके से रिजिड वाली साइंस नहीं है, बट यस, इट इज अ सॉफ्ट साइंस, इन एग्जैक्ट साइंस है। कि आप ये नहीं कह सकते कि ये प्योर साइंस है, और आप ये भी नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल भी साइंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर उसके दो फीचर पूरे होते हैं, ठीक है। तो आज हमने इसके नेचर के दो एस्पेक्ट्स पढ़ लिए हैं, कौन कौन से, मैनेजमेंट एज एन आर्ट और मैनेजमेंट एज अ साइंस।
जिसमें हमें क्या पता चला कि मैनेजमेंट आर्ट तो है बट साइंस की अगर मैं बात करूं तो वो एक इनएग्जैक्ट साइंस है, ठीक है। तो सो आज हमने पढ़ा मैनेजमेंट एज एन आर्ट और मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, उसके बाद हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। तो बच्चे तब तक आप लोग आर्ट और साइंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और उसके बाद हम लोग प्रोफेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।